हेलो हेलो एंड वेलकम बैक टू फिल्मी बीच ट्रैवल मेनिया चैप्टर 2। पिछले एपिसोड में डॉल्फिन को ढूंढने के बाद थकी हारी आयशा एंड फैमिली पहुंची गोवा के एक फ्ली मार्केट में। ये गोवा का वो फेमस मार्केट है जहां पर आपको कई सारी काम की चीजें बहुत ही काम के दामों में मिलती है। आपको वो स्ट्रीट फूड भी मिलता है जिसे दूर से देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाए, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। सब लोगों ने गोल गप्पे देखे और गोवा में गोल गप्पे देखते ही गप्पे लड़ाते लड़ाते गोल गप्पों पर टूट पड़े। टीका और मीठा, टीका। सभी लोग गोल गप्पों का खूब मजा ले रहे थे, लेकिन एक इंसान जो शायद हर तरफ से काफी मजबूर था, वो दूर खड़ा खड़ा किसी ऐसे को तलाश रहा था जो शायद उस रात के लिए उसे खाने के लिए कुछ अनाज दे दे। कम से कम 5 से 10 लोगों के सामने हाथ फैलाने के बाद ये शख्स आयशा के पास आया। एंड ट्रस्ट अस, शायद आयशा को भी ये नहीं पता था कि इस पूरी कहानी को हमारा कैमरा दूर खड़ा होकर कैप्चर कर रहा है। जैसे ही ये शख्स आयशा के पास आया, आयशा ने खुद से पूछा, आयशा ने ना सिर्फ उस रात इस शख्स के पेट की भूख मिटाई बल्कि उसे कुछ पैसे भी दिए। और कुछ ऐसे गोवा में हमें आयशा की दरिया दिली देखने को मिली। और उसके बाद जब आयशा एंड फैमिली और उनके साथ साथ इन जनाब की भूख भी मिट गई, फिर शुरू हुई लेडीज की वो भूख जो शायद कभी खत्म नहीं होती। एंड दैट्स कॉल्ड शॉपिंग, शॉपिंग, शॉपिंग। तो सभी लोग निकल पड़े इस फ्ली मार्केट में अलग अलग चीजों की तरफ, अलग अलग चीजें खरीदने के लिए। आयशा कभी एक स्टोर में जाकर अपने लिए एक ड्रेस चुनती, फिर उनका मूड बदलता और फिर अचानक से मूड बदलता और उससे भी बेटर ड्रेस नजर आती। ऐसा करते करते आयशा एंड फैमिली ने और स्पेशली लेडीज ने पूरा मार्केट छान मारा और की ढेर सारी शॉपिंग। और इस बीच फैमिली के बच्चों ने भी आयशा को कहा कि हमें भी तो कुछ दिलाओ। तो बस बच्चों की एक डिमांड पर आयशा उन्हें लेकर गई इस टॉय शॉप में और दिलवाया ये प्यारा सा तोहफा। कैसे हो मैम? तो ट्रैवल मेनिया के सेकंड चैप्टर में आज ना सिर्फ आयशा सिंह की दरिया दिली देखने को मिली बल्कि दिल खोलकर शॉपिंग करने का जज्बा भी। लेकिन क्या आप तैयार हैं तीसरे एपिसोड के लिए? क्योंकि ट्रस्ट मी, थर्ड एपिसोड में आयशा पूल में वो गोते लगाएंगी कि उनके सामने बड़ी बड़ी जल परियां भी टाए टाए फिस हो जाए। लेकिन एक मिनट, चैप्टर 3 के लिए आपको 10th मार्च तक इंतजार करना ही पड़ेगा। और ये बात तो आप सभी को पता है कि इंतजार का फल मीठा होता है।
गोवा से कैमरामैन भावेश तातपुरकर के साथ राज दीक्षित की रिपोर्ट।